अमन का मिशन महंत योगेश पुरी से खास बातचीत में संवाददाता अमन गुप्ता ने सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा में बेलपत्र का महत्व क्या महत्व होता है इसके बारे में जाना। वहीं महंत योगेश पुरी से खास बातचीत में हमने भगवान शंकर पर बेलपत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं और कैसे चढ़ाए जाते हैं उसकी जानकारी ली। ओम नमो नारायणाय। आज पुनः एक और वीडियो के माध्यम से मैं श्री महंत योगेश्वरी आपके समक्ष कि हम भगवान शंकर को विल्व पत्र क्यों अर्पण करें और भगवान शंकर को विल्व पत्र अर्पण करने से क्या होता है, भगवान शंकर को विल्व पत्र अर्पण क्यों किया जाता है, इसको अर्पण करने से क्या लाभ होता है और कितने चढ़ाने चाहिए और किस प्रकार से चढ़ाने चाहिए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर भाव है विल्वाष्टक के अंतर्गत में, काशी क्षेत्र निवासी नाम काल भैरव पूजनम कन्या कोटि महादानम एक विल्वम शिवार्पणम दर्शनम विल्व पत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक विल्वम शिवार्पणम। जरा विचार करिए कि ये विल्व पत्र जो है, कुछ लोग ये कहते हैं कि स्त्री को भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से केवल विल्व पत्र कैसे चढ़ाना चाहिए या क्या उसके चढ़ाने से क्या लाभ होता है ये तो है ही है, लेकिन साथ में जो लोग, जो व्यक्ति ये कह करके निषेध करते हैं कि शिव लिंग प्रतीकात्मक है इसलिए स्त्रियों को शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, यहां इस विल्वाष्टक का आप शायद अगर पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर कहा गया है, लक्ष्म्यास्तन उत्पन्नम महादेव सदा प्रियम विल्व वृक्षम प्रयच्छामि एक विल्वम शिवार्पणम। अर्थात लक्ष्मी के स्तन से ये उत्पन्न हुआ है, अर्थात मां लक्ष्मी ने, एक समय की घटना है, भगवान नारायण कहीं अदृश्य हो गए, चले गए, खो गए, गायब हो गए, तो समय जब लक्ष्मी ने ध्यान लगा करके भी नारायण को खोजना चाहा तो भगवान नारायण कहीं नहीं मिले, उस समय मां लक्ष्मी ने भगवान शिव का आराधन किया, शिव की उपासना की, शिव का यजन किया, यजन किससे किया, अनुष्ठान किससे किया, मां लक्ष्मी ने उस समय भगवान शंकर का, भगवान शिव का यजन अनुष्ठान पूजन वंदन बेलपत्र से किया। अब बेलपत्र से अनुष्ठान परंपरा में, अनुष्ठान पद्धति के अंतर्गत में जब अनुष्ठान किया तो अनुष्ठान करते करते भगवान शंकर ने एक माया रची और उस माया के अंतर्गत में बड़ी सुंदर एक घटना घटित हो गई कि वह गिन करके बेल फल रखती थी, भगवान शंकर का यजन करती थी, पूजन करती थी, अर्चन करती थी, तो एक दिन भगवान शंकर ने माया से एक बेल फल कम कर दिया। जब बेल फल जैसे ही कम हुआ, अब मां लक्ष्मी बेल फल को ढूंढती हैं, लेकिन बेल फल कहीं मिलता नहीं, उठ करके जा नहीं सकती, किसी को बुला नहीं सकती, क्योंकि अनुष्ठान काल है। आजकल के जैसा अनुष्ठान नहीं है कि अपनी सुविधा से अनुष्ठान कर लिया, गर्मी लगी तो उठ करके चले गए, पंखा खोल लिया, क्षमा कीजिए ऐसा नहीं, मां लक्ष्मी ने जब अनुष्ठान किया तो उठ करके नहीं जा सकती, किसी को बुला नहीं सकती, अब बेल फल खो चुका है, तो उस समय मां लक्ष्मी ने ध्यान किया तो अपने शरीर में उन्हें अपना स्तन बेल फल के समान लगा, तो मां लक्ष्मी ने तुरंत उस स्तन को काट करके भगवान शंकर के समक्ष प्रस्तुत किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, आशुतोष तुम अवडर दानी आरती हर दीन जन जानी, तो उस समय भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रफुल्ल चित्त हो गए। अब भगवान शंकर ने दर्शन देकर के नारायण का स्थान बता दिया, पता बता दिया, तो लक्ष्म्यास्तन उत्पन्न हो, उस स्तन में से ये बेल पत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए जानकार जो कर्मकांड पद्धति के जो हमारे आचार्य हैं, जो यज्ञ पद्धति के जो हमारे कर्मकांड के जो आचार्य गण हैं, वह लोग मां लक्ष्मी की अनुष्ठान करवाने के लिए हमेशा बेलपत्र की लकड़ी, जो बेलफल बेलपत्र का जो वृक्ष होता है उसकी लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है, श्री सूक्त की आहुतियां दी जाती है, तो उस प्रकार से ये है एक प्रकार से लक्ष्मी को भी देने वाला है। तो बड़ा सुंदर भाव, भगवान शंकर ने ये बेलपत्र हमें चढ़ाना कैसे चाहिए, जरा विचार कीजिए, बेलपत्र हमेशा हमें भगवान शंकर के ऊपर उल्टा करके चढ़ाना चाहिए, यथा उत्पन्नम तथा अर्पणम, जैसा उत्पन्न होता है वैसा ही उसको अर्पण किया जाता है, तो भगवान शंकर के ऊपर विल्व पत्र हमेशा उल्टा करके चढ़ाना चाहिए, हो सके तो उस विल्व पत्र के ऊपर एक पत्ते में ओम लिखिए, दूसरे पत्ते में नमः लिखिए, तीसरे पत्ते में शिवाय लिखिए या राम राम लिख करके भी आप चढ़ा सकते हैं,
तो ये बेलपत्र जब हम भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं तो हमको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसी काशी क्षेत्र निवासी नाम काल भैरव पूजनम, ये काशी क्षेत्र में ये इसको पाया जाता है। और काल भैरव जो कि ब्रह्म हत्या के अंतर्गत में थे, उन्होंने जब इसके द्वारा पूजन किया तो वह भी ब्रह्म हत्या से दूर हो गए। तो एक प्रकार से बेलफल बेलपत्र हो हमारे किए गए समस्त पापों को दूर करता है और लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। इसलिए जब कभी भी आप बिल्व पत्र चढ़ाए तो उस समय पर उल्टा करके चढ़ाए, कुछ लिख करके उसे सजा करके भगवान शंकर को प्रस्तुत करें। बाबा मन कामेश्वरनाथ जी आप सभी को अपनी कृपा रूपी भक्ति प्राप्त कराएं। ओम नमो नारायण। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।